बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं आपका दोस्त, आपका भाई ताहिर ख़ान। आज का ये लाइव सेशन होगा उर्दू में। इसका सबसे बड़ा वजह क्योंकि हम अपना आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। हमारी हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत कुछ कर रही है और बार बार ये दावी भी कर रही है कि हम उनके लिए बहुत सारे इकदाम कर रहे हैं। और हर सफारे वाले को उन्होंने बताया कि जहाँ पे भी परदेसी है, चाहे वो सऊदीया में हो, दुबई में हो, मलेशिया में हो, यूरोप में हो, उनका साथ दे। अभी अभी एक सोशल वर्कर है, आदम नाम है उसका, उसने रियाद से राबता किया है। कल से एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और उन लोगों के 1000 कॉल्स के बावजूद भी एम्बेसी वाले अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचे। वो दोस्त मेरे साथ इस वक्त लाइव है रियाद से। बाकी जो भी बात होगी वो उनसे पूछेंगे। बराए करम, बराए करम, हमने कभी आप लोगों से ये नहीं कहा कि ये वीडियो शेयर करें ताकि कोई देख ले, लेकिन ये वीडियो स्पेशली जुल्फी बुखारी साहब को, जो हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मिनिस्टर्स हैं, और स्पेशली एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान जो रियाद में है, क्योंकि उर्दू में इसलिए बना रहे ताकि वो ये बातें खुद सुन सके। ये बातें मैं नहीं कर रहा, वहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी भाई बैठे हैं, वो पाकिस्तानी भाई, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई, जिनको हमेशा जब भी पाकिस्तान में कोई तकलीफ आई हो तो ये लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मदद मांगते हैं, चाहे वो यूरोप में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, मलेशिया में बैठे हैं, हमारे खलीज में बैठे हैं। ये लोग हमेशा, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ये हमेशा इस मुल्क और कौम के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन लेकिन बदले में सिर्फ बातें होती रहती हैं। अभी तक मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये डेड बॉडी कल से पड़ी हुई है और इन लोगों की कॉल्स के बावजूद वो कह रहे कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप यहाँ पे कोई भी डेड बॉडी नहीं। तो उस देर से वो लोग अभी हमारे साथ लाइव होंगे और वो खुद बताएंगे कि माजरा क्या है। जी आदम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, संगाली सेहत खरे तास खोई ठीक ठाक। वालेकुम सलाम आदम, जरा बताइए, ये सेशन होगा हमारा उर्दू में, बताइएगा ये वाकिया जो हमारा भाई है कहाँ से ताल्लुक रखता है और कब उसकी फौतगी हुई है, फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, सफारे से रब्ता किया, सफारे वालों का जवाब क्या आया था, जरा डिटेल से बताइएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक कीमती टाइम से हमें वक्त दिया है। सर रात 11 बजे को ये वाकया पेश आया, कल 11 बजे, अभी तकरीबन 11 बज जाएंगे तो 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। सर 11 बजे से लेके अभी तक जो मेरे पास जो सबूत है, जो सोर्स बैठे हैं, उन सब के जो वो खुद आपसे बोलेंगे, खुद आपको बताएंगे कि कितनी बार सफारा से हमारी बात हुई है और सफीर साहब ने फिर आगे से क्या कहा है कि यार ये सारे झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कोई इश्यू नहीं है, कोई भी फौतगी नहीं हुई, या अगर फौतगी हो भी गई है तो घर में कोई भी लाश, मैं नहीं मानता ये बात कि इस तरह कोई मसला हो। तो सर जो बंदा कल से जलील हो रहा है, बार बार सफारा कॉल कर करके थक चुका है, वो बंदा खुद आपसे बात करेगा, लेकिन सिर्फ इतना कि उसका चेहरा मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। आपको पता है कि परदेश में जब हो जाती है तो आगे से कितने मसाइल फिर घर वालों को हाँ, वो मैं आते समझ सकता हूँ आदम भाई, सिर्फ इतना बताइए, जो भाई की फौतगी हुई है अभी इस वक्त जी। वो सर देरे में है, आपके पास सर मौजूद है बिल्कुल उसकी डेड बिल्कुल बॉडी? बिल्कुल सर, उसका मैं चेहरा छुपा के मैं आपको बिल्कुल लाश दिखा सकता हूँ, और वो बर्फ जो उसकी इर्द गिर्द पड़ा है, कितनी कीस बर्फ ये मुसाफिर भाइयों ने लेके उसके इर्द गिर्द रखा है, कितनी कीस बर्फ अभी मौजूद है स्टॉक एक स्टोर की तरह, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सिर्फ आपकी वो सातत से इस सफीर साहब को यही मैसेज देना चाहता हूँ सर कि बस बहुत हुआ, अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ इनकलाब बरपा करें तो हम तैयार हो चुके हैं सर, बिल्कुल हम आदम एहतमाम कर भाई रहे हैं। वो देख लेंगे, वो कह रहे कि लाश नहीं है ना, तो बराए करम सबसे पहले जाके, क्योंकि घर में अभी पता नहीं है कि ये उनका कोई वहां पे रिश्तेदार मरा हुआ है, तो काइंडली जाके चेहरा ना दिखाइएगा, जाके डेड बॉडी दिखाइए, उसके बाद फिर हम भाई से बात करेंगे जो उनके लिए दौड़ भाग कर रहा है, जो सफारिक से उनसे रब्ता किया है। सबसे पहले ये देख रहे, अभी सफीर भी देख रहे, सारा पाकिस्तान देख रहा है कि हमारा एक पाकिस्तानी पड़ा हुआ है कल से, ठीक है, जी और सर अभी तक उसे किसी ने पूछा नहीं। तो आई रिक्वेस्ट यू गो देयर और उसका चेहरा ना दिखाइए, उसकी डेड बॉडी दिखाइए, ताकि इन लोगों को पता चल सके कि वाकई में एक पाकिस्तानी वहां पे मर चुका है और ये लोग खबर नहीं ले रहे। सर तो पहले मैं इस बंदे के बातें आपसे शेयर करूं या लाश दिखाऊं आपको?
सबसे सफीर को पहले क्या उसकी डेड चाहिए आपसे? बॉडी जी दिखा दे ताकि इनको पता चले कि ये मजाक नहीं हो रहा, वहां पे एक बंदा मरा पड़ा हुआ है। ठीक है सर, मैं आपको बात दी, और जो भाई जिसने सफीर से सपारा से बात की है और जो अभी तक कोशिश में, मैं आपको दिखा रहा हूँ सब। ठीक है सर, ठीक है आदम, अभी ये कितनी अफसोस की बात है, जरा ये बात जरा जहन में रख दे। एक तो बंदा परदेश चला जाता है, यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता, अपने बच्चों के पेट पाल ले, वो ये मुल्क छोड़ के चला जाता है। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि वो बाहे प्रॉब्लम है, लेकिन अगर जिंदा इंसान के साथ आप कुछ कर रहे हो, सफारा बंदा जाता है वहां पे, उसकी नींद सुनती जाती, कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि टिकट भी रेफरेंस पे मिल रही है, जो बंदा किसी को जानने वाला है तो उसको टिकट मिल जाती है, गरीब बंदा जो लिमोजिन चला रहा हो, कोई दिहाड़ी वगैरह कर रहा हो, उसके लिए रेफरेंस चाहिए, तभी उनको जाके टिकट मिलती है। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं हजारों ईमेल्स आपको मैं सबूत के तौर पे दिखा सकता हूँ, जो वहां पे लोग हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, वो मुझे ईमेल्स करते कि सर उस बंदे को सिर्फ टिकट मिल रहा है जिसके पास किसी ना किसी का रेफरेंस हो। सो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन देयर। और अभी चलो जाने दो, एक दो बंदा जिंदा है ना, एक बंदी की लाश पड़ी हुई है कल से, और ये लोग सपारे से राबता करके खुदारा खुदारा एक एम्बुलेंस लेके आए और इस लाश को लेके जाए यहां से। ठीक है, बाद में जो भी तरीका कार होगा वो कर लेंगे, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए कि एक बंदा रियाद में पड़ा हुआ है डेड बॉडी, और उनके जब दोस्त कांटेक्ट कर रहे हैं एम्बेसी वाले के साथ, तो वो लोग कह रहे हैं बकौल उनके दोस्त कि ये झूठ है, एक भी लाश हमारे पाकिस्तानी की यहाँ पे नहीं पड़ी हुई। तो अभी जो आदम भाई है वो अभी उस रूम में गया है, अभी थोड़ी देर बाद वो डेड बॉडी आप लोगों की, कितनी तकलीफ की बात है यार। इनके घर वालों को पता नहीं कि हमारा जो वालिद साहब या किसी के भाई है, किसी के शोहर है, किसी का बेटा है, किसी को भी पता नहीं कि उनका ये रिश्तेदार वहां पे फौत हो चुका है, इसलिए उसका चेहरा हम नहीं दिखा सकते, लेकिन अभी थोड़ी देर में वो डेड बॉडी आपको दिखा देंगे। जी आदम, माइक, अपना माइक ऑन कर दे आदम। ठीक है सर, मैं माइक काम कर रहा हूँ। मैं इस टाइम बिल्कुल डेड बॉडी के पास खड़ा हूँ, और ये सर मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बिल्कुल खुल के आपको बताऊं, और जो बर्फ इसकी आगे पीछे जो साइडों पे बर्फ पड़े हैं वो सारा कुछ आपको दिखा सकूं, ताकि देख सके मेरा पाकिस्तान और मेरे परदेशियों का हाल। सिर्फ इतना कि नहीं दिखा पाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल क्लोज आपको दिखा सकूं। आपको नजर आ रहा है सर? ये इतना तो वाज़े है ना सर कि लाश है। सिर्फ इसका चेहरा मैं छुपा के बाकी बारी में कोशिश करूंगा कि ये अब किस कंडीशन में पड़ा है, और जो तलाजी में लोग लाश रखते हैं, मैं क्या बताऊं। होगा लाश खुला खपी। सर आप नजर आ रहे हैं कि ये लाश है, इंसान है। अब भी अगर इसके बाद भी किसी को वजाहत चाहिए तो मैं इधर मौजूद हूँ। ये लाश 24 घंटों से, मतलब कल 11 बजे फौत हुई है, और कल 11 बजे से हम ये मुसाफिर भाई जलील हो रहे हैं, और आगे से सपारा ने कहा है कि यार ये सारा झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, घरों में कोई लाश ये हम नहीं मानते। तो सर बाकी आपकी मर्जी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की मर्जी, बाकी इमरान खान की मर्जी और उनकी हुकूमत की मर्जी, बाकी सफीर की मर्जी और उनकी कैबिनेट की मर्जी। आपको और भी कुछ प्रूफ चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। कीप रिलैक्स सर, आप कंट्रोल कीजिए। पुख्तनों द लाश रोड है, ये मुसाफिर रोड है। दोपहर 11 बजे ना तलाजी ते हम न उड़ी, एम्बुलेंस पे से हम न राजी, और गाड़ होते थे बर्फ ये खो देते, तकरीबन 10 11 20 बर्फ हिरावड़े दे साइड में तपरोत थे, ता सुबह शापरी भी नहीं था, ना बर्फ थी दावा। और
ज़मान मुसाफर हाल, और ताहिर साहब सर को मैंने बता दिया कि अभी अगर सफीर मान रहा है तो ठीक है, नहीं मान रहा तो भी ठीक है। ये आप लोगों ने खुद देख लिया, इसके बाद ताकत खत्म हो जाती है। खुदा की कसम, इस जैसे चीजों पे बात करने के लिए ताकत ही खत्म हो जाती है। चलो कोई बात नहीं यार, एक बंदा परदेश गया हुआ है, उसके नसीब में रुसवाई है, जलील वहां पे अपनी जिंदगी वो गुजारे, क्योंकि जलील बंदा है ना, क्योंकि वतन छोड़ा है उसने, अपने बच्चों के लिए कमाई कर रहा है। खुदा रा यार, ये लाश पड़ी हुई किसी की लाश पड़ी हुई यार, किसी का बाप होगा वो, घर में पता भी नहीं कि यार किसी का मेरा बाप वहां पे मरा पड़ा हुआ है, किसी का बेटा है ये, किसी का भाई है ये। क्या करूं मैं इस सफारे का यार, क्या करूं? लाश के तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं, क्या करे मेरे परदेसी भाई? कर्फ्यू में बाहर जाए, 10,000 रियाल का गरामा ले, और फिर 1 साल वो वहां पे बैठ के उस गरामे के लिए मजदूरी करे, ये करे, यानी मेरे समझ से बालातर है कि क्या हो क्या रहा है। आई हैव नो वर्ड्स यार आदम, इस चीज पे और मैं कुछ कह ही नहीं सकता, इस पे अब बंदा बात क्या करे। तो मैं तो सिर्फ यही कहता हूं कि यार जितनी भी आपकी परदेसी वहां पे है ना, और जो ये आप लोग की जिंदगी, यार मैं कुछ नहीं कह सकता, ये आप लोग की जिंदगी है, ये यहाँ की गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए लिख दी है। जुल्फी बुखारी साहब को मैं यहाँ पे खुदा रहा, आप देख ले अपने आंखें खोल दे, ये सपारे में लोग जो बैठे हुए हैं, ये जो बंदे कॉल करते हैं अपने मतलब के लिए नहीं करते भाई, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। खुदा रहा इन लोगों के लिए ऐसी कोई सिटिंग कर दे कि ये, उन लोगों ने बताया कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, अच्छा आप लोगों ने देखा ये डेड बॉडी पड़ी हुई, ये झूठ थी। आदम बताइएगा, जो बंदा गया था सफारा, उससे अगर आप बात करा दे हमारे, वो खुद बता दे कि वहां पे जाके सफारे वाले ने क्या बात की थी। ठीक है सर, वो आपसे जरूर शेयर करेगा, बस मुझे सिर्फ यही सीक्रेसी के पड़ी हुई है कि कहीं उनको मतलब घरवालों को कोई पता ना चले। और सर इधर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जुल्फी बुखारी साहब, जो आप फ्लाइट फैसलाबाद लेके जाते हो ना रोज़ाना 8, 9, 10 फ्लाइट्स, तो मैं आपको ये भी वाजह करना चाहूँगा कि पाकिन डिवीजन के तकरीबन सर 13-14 लाख लोग हैं, और जो ज्यादा सबसे ज्यादा मर रहे हैं वो भी हमारे पठान पख्तून भाई है। यहाँ पे मैं कोई कौम परस्ती वो नहीं करना चाहता, लेकिन ये पूरी दुनिया को पूरे पाकिस्तान को पता है कि सबसे ज्यादा पठानी जलील हो रहे हैं प्रदेश में, और सऊदी अरब में अगर 25 लाख रह रहे हैं तो उनमें तकरीबन 70% 75% पठानी है। ये आदम भाई के अब लोगों ने बात सुनी, ये फ्लाइट का तो चक्कर ही छोड़ दे। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जितनी भी हमारी न्यूज़ चैनल्स है, खुदा रा ये भी आप लोगों का फर्ज है, एक अगर ठीक कोई सेलिब्रिटी कुछ कर ले ना, तो उसके लिए आप लोग ट्रेंड बना देते हो, ट्विटर पे टीवी पे चला देते हो, ये किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का जी बेटा सर, वहां पे जी मरा सर, हुआ है, तो काइंडली इन जी चीजों को भी सर, हाईलाइट करें। खुदा रहा हम ये जी उर्दू में इसलिए बात कर रहे हैं ताकि ये बात आप लोगों तक पहुंच सके। इंसान है, सर, जी जानवर तो सर, नहीं है ना कि बंदा मर जाए वही पे बंदा छोड़ दे, वो बेचारे उनके घर वालों को भी नहीं बता सकते कि उसका यहाँ पे जो भाई बाप है वो मरा हुआ है, तो क्या करें ये लोग वहां पे, क्या करें? सर इस टाइम हम ही 10,000 लोग लाइव देख रहे हैं, 10,000, ठीक है? तो इन सबको मैं गवाह बना के कह रहा हूँ, अभी जो भाई आपके सामने बात करेगा वो भी वो बात करेगा जो सपारा से उनकी बात हुई है। आगे से सफीर ने क्या जवाब दिया है, सफीर ने या स्टाफ ने कुछ भी कहा है, वो खुद वो भाई आप बात करेगा, लेकिन एक दफा फिर का उसका चेहरा मैं आपको नहीं दिखा पा सकता क्योंकि वो कोई सफीर बात है, नहीं, बात तो करा दी मैं कुछ उनसे, नहीं कर जो सकता। इंटरेक्शन उसका हुआ है सफारे वाले के साथ, वो काइंडली ठीक है सर, ज़रा ठीक है सर, बात करा दी उनसे। ठीक है सर, थैंक यू।
आदम कोई प्रॉब्लम हो रही है? आदम ये बेचारे भी डर रहे क्योंकि परदेश में है, वहां पे इस तरह बात करके, तो आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे मैं समझ सकता हूँ क्योंकि अपने हक के लिए आवाज उठाना वहां पे ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो मैं समझ सकता हूँ। जी आदम, जी ताहिर भाई, हेलो। भाई सलाम अलैकुम। बता दी सर, आप गए थे एम्बेसी वालों को, आपने बताया था कि यहाँ पे हमारा एक जी, दोस्त है, उसकी डेड बॉडी पड़ी है। हमारे बता दी जरा क्या इंटरेक्शन हुई थी। बंदे गया था आज, 4 बंदे, और उसके साथ बात बात हुआ है, और इसकी सेक्रेटरी को उठाया था कि भाई हमारा जो है ना लाश पड़ा हुआ है, और 1 बजे रात से उसका डेथ हो चुका है। ये कल की बात है, और अभी जो है ना ये अभी कितना बज रहा है, तकरीबन तकरीबन मेरे हिसाब से 21 घंटा बन पा रहा है। जी आप हेलो, बात करते रहे भाई, आप बात करते रहे, आपकी आवाज आ रही है। 21 घंटा हो चुका है, न कोई एम्बुलेंस आ चुका है इधर, न कोई एमबीसी की तरफ से हमको कोई इत्तला आया हुआ है कि आप हम कि हमारे बंदे जो है ना ऐसा मुश्किल में फंसे हुए हैं। कोई इत्तला हमारे पास नहीं आया हुआ है। एक दो जो शुरताखाना है मनफो हवाले में, सुबह से हमारे 2 बंदे बैठे हुए हैं, न कोई एम्बुलेंस है, न कोई चीज है, और मैया के चारों तरफ जो है ना बर्फ के तीरिया रखे हुए हैं हम लोग। भाई आपने खुद रब्ता किया एम्बेसी वालों को? आप लोगों ने बताया था कि यहाँ पे डेड हुई है, यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप लोगों ने खुद रब्ता किया था? हमारा 4 बंद गया हुआ था उधर, उसने मेरे को टेलीफोन, मैं तो इधर से नहीं निकल सकता हूँ, कभी उधर भाग रहा हूँ, कभी उधर भाग रहा हूँ। अच्छा, वो जो 4 बंदे गए हुए थे तो उन्होंने चार किससे बंद रब्ता किया भाई, था? वो बोलते हैं कि हमने जो है ना उसका क्या नाम है सफीर का सेक्रेटरी को उठाया था, और फिर सफीर साहब ने हमको ये बोला है कि भाई तुम लोग झूठ बोल रहे हैं, कोई मैयत नहीं होता है, इसलिए हमने हमको जो है ना तुम लोग क्या करो ये मैयत का वीडियो बना के हमको भेज दे कि सफीर साहब का तसल्ली हो जाए कि हाँ ये झूठ नहीं है, ये हकीकत है। तो आप लोगों ने फिर वीडियो भेजी उनको, बताया कि यार यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हाँ, है, बिल्कुल 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 भेजा हुआ है हम लोग। तो वीडियो भेजने के बाद, डेड बॉडी की जब आप लोगों ने वीडियो भेजी, उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आया उन्हों का? अब भी जो है ना मेरे पास मेरे साथ कोई रابطہ नहीं हो चुका है, क्योंकि मैं जो है ना ये शुरते खाने के भाग दौड़ में लगा हुआ हूँ, कोई एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है भाई, इधर से जो है ना लाश सड़ रहा है, उससे स्मेल आने वाला है, ये कोई गोश्त तो नहीं है कि मैं जो है ना गोश्त मार्केट में उसका गोश्त बेच दूं। भाई हमसे जितना हो सका हमने आवाज़ उठाई, अभी सब अल्लाह पे है, इन लोगों पे है, गवर्नमेंट पे है, इन सफीरों पे है। मैं बार बार, हज़ार बार मैंने, कभी कितनी बार मैंने कहा है कि खुदा रहे ऐसे बंदे को वहाँ पे बिठा दे जिन्होंने खुद परदेसी की हो, जिन्होंने खुद ये मुश्किल देखा हो, जो कम से कम एहसास रख सके, दुख दर्द रख सके कि यार वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। भाई कह रहा था ना कि मैं क्या कहूँ, एक तरफ कर्फ्यू है, एक तरफ भाग दौड़ है, उधर चेक पोस्ट जगह जगह पर लगे हुए हैं, और जो जिसके पास तस्री नहीं होता है उसको 10,000 गरामा मिलता है, तो वो कौन भरेगा? ये सारा मजदूर दिहाड़ी मार लोगे, ये कहां से भरेगा ताहिर भाई? बिल्कुल भाई की बात बिल्कुल ठीक है। जितने भी इस वक्त हमारे लोग देख रहे हैं, जितने भी 10,000 से ऊपर के लोग देख रहे हैं, खुदा हमने कभी आप लोगों से नहीं कहा कि ये वीडियो शेयर कर दे, हमें कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जो भी लोग इस वक्त देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करें ताकि आवाज़ पहुँच सके। इमरान खान साहब से भी, जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म है, और ये हुकूमत जो बनी भी हुई स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से बनी है। मुझे खुद याद है जब मैं सऊदीया में था, ये लोग टिकट ले रहे थे कि हमने जाके वहाँ पे वोट देना है अपने मुल्क के लिए, ताकि इस मुल्क में कानून आ सके और हमारा कोई देखभाल कर सके। तो इस चीज़ का मैं खुद गवाह हूँ, हजारों नहीं लाखों की तादाद से लोग आए हैं और यहाँ पे अपना वोट कास्ट किया है सिर्फ इसीलिए कि जितने भी खासकर हमारी ओवरसीज पाकिस्तान, उनका मसाइल हल हो सके। कभी व्हाट्सएप का नंबर ये लोग देते हैं कि इस नंबर पे रब्ता करें, कभी एक ऐप बना देते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स क्या मिलता है वो आज आप लोगों ने खुद देख लिया। तो मैं खुदारा जितने भी हमारे दोस्त हैं ये वीडियो मैसेज उन तक पहुँचा दें, और जल्द से जल्द जो सफीर है
वो इस बात पे बयान करे, क्योंकि ये बंदे कह रहे कि हम खुद गए वहाँ पे, चार बंदे गए और उनका यही जवाब था कि भाई आप लोग झूठ बोल रहे हैं। तो कम ऑन यार, वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई, ये लोग अगर बाहर भी जाए ना तो 10,000 का घराबा भी इनके ऊपर लगा दिया जाता है, फिर कहाँ से बननी। ऐसे लोगों ने मुझे SMS किए आदम भाई, कह रहे 30-30 हज़ार मुखालफा हमने लिया है, अगर अभी इस बंदे के लिए बंदा बाहर ना जाए तो क्या करे। जी आदम, सर जी, लाश आपने खुद देख ली, अभी जो व्यूवर्स देख रहे हैं, तकरीबन जितने भी लोग हैं, ये आवाज 5 लाख दो देके 20 लाख देके, सर ये लाश खुद आपने देख ली, आप गवाह बन गए हो, ठीक है। हमारी तरफ से जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है, मेरा फर्ज था मैं आपको दिखा सकूं वो सच जो सबको झूठ लग रहा था। सबसे पहले सफीर साहब को, सफारे को, और जिन भाइयों के घर में मैं बैठा हूँ, इन लोगों से हमने सीखा, मैं खुद सीख रहा हूँ, ये मेरे बड़े हैं, ये मेरे रहनुमा है, इनमें ऐसी वैसी कोई बात नहीं है कि ये झूठ बोलेंगे और आगे से कोई ड्रामा करेंगे। मेहनत, मुशक्कत, इस मैं इनके बारे में आपको क्या बताऊं, ये मेरे बड़े हैं, आदम मेरे भाई गांव जब में वहां पे मेरे लाश मेरे पड़ी गांव। हुई है ना, लाश पड़ी हुई है, इससे और कुछ इससे कहना भी हमारे बातें भी फजूल है। बस उनको लाश बिल्कुल दिखा दो कि सही भाई ये है, लाश पड़ी हुई है, वेयर इज योर एम्बेसी, आपका काम क्या है, आपके लोग कहाँ पे हैं, आप लोगों ने रابطہ भी किया। एक टेक्स्ट मैसेज बंदा भेज देना कि यार यहाँ पे लाश पड़ी हुई है, तो एक टेक्स्ट मैसेज पे बंदा उनको रिप्लाई आना चाहिए कि हाँ यार लाश पड़ी हुई है। ऊपर से वो लोग कह रहे कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है। और हम मुतालबा करते हैं ओवरसी मिनिस्टर जुल्फी बुखारी साहब से, इमरान खान साहब से, बहुत ही अच्छे दोस्त अली मोहम्मद खान साहब, उसके PA जिया भाई, वो लोग हमेशा इस मौजू पे मेरा हेल्प करते आए हुए हैं। तो खुदा रहा सब से, मुराद सही साहब से भी, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कर रहे। तो खुदा रहा अगर ये चीज़ें हैं, एक दो तीन चेंजेस अगर आप लोग लेके आए, तो इसमें मेरे ख्याल में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं। वहाँ के बंदे जो हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो थोड़ा सा आराम से ज़िंदगी वहाँ पे गुजार देंगे। आदम आखिर में कुछ कहना चाहते हैं आप? सर जी एक बात, एक नहीं बहुत सी हजार बातें हैं, लेकिन सिर्फ कुछ बातें जो यहाँ कहना बहुत जरूरी है। सर जितनी भी फ्लाइट्स आ चुके हैं, मतलब अंदाजे के मुताबिक अगर 10,000 लोग सऊदी से आ चुके हैं तो उनमें 100 तक मरीज नहीं है, ये सबसे बड़ी जलालत। और इसमें मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, अगर है तो बड़ी जाहिल की तरह के होंगे। इन 10,000 में सिर्फ 100 तक मरीज नहीं आए होंगे, वरना चेक कर ले, अंदाजा लगा ले आप। सारा रिश्वत इधर दलालों को, ब्रोकर्स को, सपारा के आगे पीछे चौड़ा है सब ने, कि पठान लोग आएंगे, ये मजदूर तबका आएगा, आप उनसे 150 रियाल जाली स्टैम्प के ले लें, या 1800 के टिकट के 2800 ले ले, जो भी जो मर्जी हो कर ले, बस जिसने जिसने शलवार और कमीज पहना है उनको बिल्कुल, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है सर, बस सिर्फ इतना बता सकूं कि मैं बताना चाहता हूँ कि सर जो दलाल इन लोगों ने छोड़े हैं वो उर्दू स्पीकिंग है, वो मिले हुए हैं, और जाली स्टैम्प के 150 रियाल मेरी पख्तून भाइयों से लेते रहते हैं, और वो स्टैम्प एयरपोर्ट जाके वो कहते हैं ये जाली है, आप दोबारा नकल मालूमात और पासपोर्ट का बंदोबस्त कर लें। जितनी भी फ्लाइट आ चुके हैं उसमें 100 के मरीज नहीं है, जितनी भी जख्मी है यहाँ जलील हो रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, जितनी भी बीमार हैं वो इधर पड़े हुए हैं, कोई भी मरीज, कोई भी जख्मी अभी तक मेरे जहन में सिर्फ 100 तक आए होंगे बस, बाकी जित जो सी हथियार है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास वास्ता है, जिनके पास अप्रोच है, जो उर्दू में बात कर सकता है, जिसने पैंट शर्ट पहना हो, वही लोग आ रहे हैं पाकिस्तान। आदम भाई जज़ाकअल्लाह खैर, आपने बहुत हिम्मत दिखाई, आपने ये बात की। और अगर इस बंदे को किसी ने कुछ कहा आदम को, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ मैंने वहाँ पे टाइम गुजारा है, तो ये भी सफारे की जिम्मेदारी है, आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो गए अगर इस गैरतमंद भाई को किसी ने हाथ तक वहाँ लगाया। क्योंकि मुझे पता है ये सच बोलने की सज़ा मैंने खुद ये भुगता है, सच बोलने की सज़ा वो परदेश में है अपने पाकिस्तानियों के लिए, उन्होंने रब्ता किया। अगर इस बंदे पे किसी ने हाथ भी उठाया, इसको अरेस्ट किया, इसको तकलीफ पहुंचाई, तो इसकी जिम्मेवारी भी सफारा पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, अपना हक मांगने के लिए इसने आवाज़ उठाया है। तो आदम कीप एंड टच, जो भी हो शेयर करते रहिएगा, और रियली विश के आप लोग के वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और भाई का भी जितना भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने भाइयों से, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बता दें, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं आदम। सर अगर सपारा में किसी को राशन की जरूरत है तो ये भाई ये पठान लोग देंगे, ये मजदूर, ये पख्तून लोग देंगे। और दूसरी बात, जिसने कोई बदला लेना हो इन पख्तूनों के वास्ते, बिल्कुल मैं रेडी हूँ, अब शेर अल आईन और आसी, और जिसने कुछ उकाड़ना हो उकाड़ ले,
मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरी पख्तून, मेरे मजदूर, मेरे पाकिस्तानी भाई, इनके हालात इंशाल्लाह मेरे खून से इनकलाब आएगा। जिसने आना है, जिसने बदला लेना है, बिल्कुल आ जाए। मैं मनपोहा में हूँ और नंबर भी मैं अपना शेयर करूंगा, कोई मसला नहीं है। मोस्ट वेलकम। अगम अल्लाह आपको इस लंबी उम्र लाश के दे, लिए हमारी थैंक यू दुआएं सर, थैंक आपके यू सर। साथ है। आप लोग की जो परेशानी है, वो जो डेड बॉडी है, अल्लाह करे जल्द से जल्द ये लोग एम्बुलेंस बुलवाए और इसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में कम से कम रख दे। क्योंकि जिस तरह भाई ने कहा कि गोश्त का टुकड़ा तो नहीं है ना, लाश है, और अभी जी तक सर, इनके जी घर सर। वालों को भी पता नहीं। सो इट्स अ काइंडली मुझे रिक्वेस्ट टू पाकिस्तान एम्बेसी। 11 बजे से अभी तक पड़ा है सर, कल 11 बजे से अभी तक, कल जजाक अल्लाह रात खैर के आदम, बाद आई रियली होप कि ये मैसेज थैंक यू पहुंच सर, चुका थैंक यू। होगा। और अल्लाह आपकी हिफाजत करे आदम, वी आर विद यू, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। नहीं जितने सर, भी थैंक यू लोग सर, हैं, थैंक यू फिर सर। से मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचा दें, क्योंकि ये जो भाई हमारा वहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसकी लाश पड़ी हुई है, हमारे भी कितने भाई वहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। खुदा की कसम, मैंने खुद वहाँ पे 8 साल गुजारे, मुझे पता है कि ये लोग कितनी तकलीफ़ों से वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरा अपना चचा वहाँ पे अभी भी है जद्दा में। ये लाश जी कल अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, उसकी भी हो सकती है, तो फिर किसके साथ हम फरियाद करें? उसके साथ तो कोई है भी नहीं। चलो यहाँ पे आदम भाई है, इसके दोस्त भी है, इनके लिए आवाज़ उठाया, मुझसे राबता किया। खुदा ना, अगर एक बंदा अकेला रह रहा हो और सफारे का ये हाल हो, तो वो बंदा जाएगा फिर कहाँ, क्या करेगा वो? उसकी लाश वहां पे सड़ती रहेगी। ठीक है सर, आदम, आखिर में और कुछ तो सर, नहीं। आखिर में वन पॉइंट के सऊदी गवर्नमेंट से हमारा कोई शिकवा नहीं है। जो भी जॉब कर रहे हैं, डन वेरी वेल, जॉब अपने मुल्क के लिए वो कर रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त कर रहे हैं। हमारा शिकवा, हमारा गिल्ला सफारा से है, और जो प्रूफ्स, जो सबूत आपको लायो दिखा चुका हूँ, इसमें एक बात भी झूठ निकला तो मैं पूरी कौम का जिम्मेदार हूँ। थैंक यू सर वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। داو زوم د مسافر وها ادین بعد زو اس نشم ویله الله دې بده خلکو باندې خپل رحم وکي خو اخر کې وسیو خبر کوم دا اساس نصیب دی یار بده باندې کوم زر پر یواز چوت کو کنه دا اساس نصیب دی او دا نصیب سره سن کیږي بس زو دا دعا کوم چې الله تعالی دې ساسو مل مددگار شي او زمون نه چې سونه کیږي ساسو غږ بچو تو ساسو आवाज بچو تو دا زمون په لاس کې دي. جزاك الله خير.